हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लांट्स व्लॉग में। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? और आई होप अच्छे होंगे। और विंटर आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो अभी ये जो मेरे पास तीन प्लांट्स हैं, पर्सलिन, मॉस रोज़ और सदाबहार, इन सब के डोरमेंसी में जाने का टाइम आ गया है। तो ये एक महीने पहले की वीडियो थी, तो मुझे इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, तो मैंने इसको सोचा अभी रहने देते हैं जब तक के ये फ्लावरिंग करता है, तो रहने देते हैं। उसके बाद जब तक मैंने ये सोचा कि मैं पॉट्स भी नहीं ला सकती हूँ अभी, और मुझे इनको सेव करके भी रखना है फ्रेंड्स, तो इसके लिए मैंने एक जुगाड़ वाला तरीका निकाला है। क्योंकि फ्रेंड्स हमारी गार्डनिंग इतनी कोई वैसी तो है नहीं, सारी कबाड़ से ही, घर में ही से जो वेस्ट निकलता है, मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसी का ही इस्तेमाल करूँ फ्रेंड्स। तो मेरे पास ये देखिए, इस ये मेरे गार्डन की में पहली बार येलो कलर के आपकी फ्लावरिंग हुई थी फ्रेंड्स, और हमारे गार्डन की शान भी यही पौधे होते हैं। भले से कुछ ही कम टाइम में रहते हैं, मगर उनको देखकर बहुत खुशी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने वो जुगाड़ वाला तरीका निकाला था, तो अब मैं बताती हूँ कि आप भी वैसे ही करिए, और आप पॉट्स पे अपने जो है पैसे वेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ अभी खर्च मत करिए जब तक कि आपके घर से ही कुछ ना कुछ मिलता रहे। तो फ्रेंड्स ये एक जार, मिक्सर जार का बॉक्स था, इसके अंदर मैंने एक थर्माकोल की पतली सी लेयर वाला टुकड़ा बिछा दिया, और उसके बाद ये जो अंडे जिसमें आते हैं उसकी ट्रे होती है, जो कि ये भी कार्डबोर्ड की ही होती है, और ये बहुत अच्छे से पानी को सोख के भी रखती है फ्रेंड्स। और ये आप किचन वेस्ट के खाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद में भी आप डालेंगे तो ये अच्छा रिज़ल्ट देती है फ्रेंड्स। तो मैंने इस तरह से इसमें एक लेयर बिछा ली है, और अब मैंने उन सारे पौधों को इस तरह से निकाला है कि उसको ना काटा है, काटना नहीं है आपको, आपको ऐसे निकालना है कि जड़ समय थोड़ी मिट्टी भी आ जाए फ्रेंड्स। आप थोड़ा भी उसको खींचेंगे पानी डाल के तो वो आराम से निकल आएंगी, और जड़ों को भी नुकसान नहीं होगा। तो मैंने उस तरह के पॉली बैग मेरे पास, जो कि नर्सरी से मैं प्लांट वगैरह आते हैं तो उसमें ही मिल जाते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये एक महीने बाद की वीडियो है, तो मैंने सारे जड़ थोड़ी मिट्टी और जड़ों के साथ निकाल कर उसको ऐसे, नमक की थैलियाँ थी मेरे पास ये, मैंने उसमें होल करके, और ये देखिए ऐसे खींचेंगे तो मिट्टी थोड़ी निकलेगी, और इस तरह से मैंने इकट्ठा करके रख लिए। और इनको मैं ऐसी जगह रखूँगी जो कि परमानेंट प्लांट होंगे, और उसके अंदर रखने से एक फ़ायदा ये होगा कि आप जब उसमें परमानेंट प्लांट्स में वाटरिंग करेंगे तो इसको भी पानी मिलता रहेगा फ्रेंड्स, और मैं लिक्विड खाद देती हूँ अगर एक महीने बाद तो वो भी इसको मिलती रहेगी फ्रेंड्स। मेरी जानकारी आपको कैसी लगी और ये आइडिया आपको कैसा लगा, आप भी ज़रूर ये आइडिया करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है पॉट्स लाने का, या आप नहीं खर्च करना चाहती तो बिल्कुल भी मत करिए, मैं भी यही कहूँगी। और ये देखिए चांदनी के प्लांट्स में, ये मेरा टीन का एक कंटेनर है, इसमें अभी काफ़ी जगह है, तो इसमें ही मैंने रख दिया है फ्रेंड्स। और मेरी वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।